फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप जो सारणिक से मैं एक और क्वेश्चन लाया हूँ जो 2020 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि एक सारणिक दिया हुआ है, वह 13, 16, 19, 14, 17, 20, 15, 18, 21 बराबर 0। इसका मान 0 होता है। इसको हल करने के लिए हम क्या करें, इनके नियमों का उपयोग करें। यदि हम इसको डायरेक्ट हल करते हैं तो गुणा भाग करना कठिन हो जाएगा, हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा कठिन हो जाएगा और समय ज़्यादा लगेगा। तो इसको नियमों के प्रयोग से करें, तो इसके लिए हम क्या करें, जो सेकंड रो है उसमें से हम फर्स्ट रो को घटा दें, यानी फर्स्ट रो में जो है उसमें से अपन घटा दें। जैसे 14 में से 13 घटाएंगे ये हो जाएगा 1, 17 में से 16 घटाएंगे ये हो जाएगा 1, 20 में से 19 घटाएंगे ये हो जाएगा 1। इसी प्रकार सेकेंड रो को थर्ड रो से घटा दें, यानी 15 में से 14 घटाएंगे 1, 18 में से 17 घटाएंगे 1, 21 में से 20 घटाएंगे 1, और ये जो थर्ड रो है उसको हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। ये हमने जो किया यहाँ पर वो संक्रिया लिखनी पड़ेगी। हमने क्या किया R1 में किया है R2 माइनस R1 से, दैट्स मीन्स पहली रो में हमने दूसरी रो में से पहली रो को घटाया, और दूसरी रो में हमने जो किया है वह किया है तीसरी रो को घटाया है कैसे, दूसरी रो से ये किया। अब आव्यूह का एक प्रगुण होता है कि यदि किसी आव्यूह की दो पंक्तियाँ यदि किसी सारणी की दो पंक्तियाँ और दो स्तंभ आपस में बराबर होते हैं तो सारणी का मान शून्य होता है। तो सारणी का मान हो जाएगा शून्य। ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। ये कहाँ से हुआ, चूँकि R1 बराबर है R2 इसीलिए इसका मान हो जाएगा 0, और यही हमारा है राइट हैंड साइड। हम लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड को, हमने दिखा दिया उसको राइट हैंड साइड के बराबर। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। अब आप लोग व्हाट्सएप के जरिए अपने गणित के कठिन से कठिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से पा सकते हो। आपको करना क्या है, ये वाला नंबर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो इस नंबर को सेव कर लेना है। उसके बाद आपके गणित का जो भी क्वेश्चन है उसका फ़ोटो खींच करके इस व्हाट्सएप नंबर को अच्छे तरीके से क्रॉप करके भेज देना है, और उसके जस्ट 5 सेकंड बाद उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर भेज दिया गया है और इसका वीडियो सॉल्यूशन देखिए आपके सामने आ गया है। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यदि ए और बी तो आव्यूह हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। इसको आपको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम इसको कैसे करेंगे, ना तो हमें आव्यूह ए का मान मालूम है ना तो हमें आव्यूह बी का मान मालूम है। इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं, हमें मालूम है, हम जानते हैं कि एक आव्यूह, मान लीजिए एक आव्यूह है हमारे पास ए बी, और इसी का इनवर्स करें, ए बी का इनवर्स, इन दोनों का गुणा करें तो हमारे पास होता है आई। ये हम जानते हैं। अब हमें ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इनवर्स चाहिए, दैट्स मीन्स ये ए बी को हटाना है। इस ए बी को हटाने के लिए सबसे पहले तो हम ए इनवर्स का दोनों पक्षों में गुणा कर दें। ए इनवर्स का गुणा हमने करा लेफ्ट साइड में, ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए बी इंटू ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स का हमने इस तरफ भी गुणा कर दिया। हमने क्या करा है, ए इनवर्स का गुणा दोनों पक्षों में करने पर, दोनों पक्षों में करने पर ये हमने ए इनवर्स का गुणा किया। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हम इनका गुणा करना है, तो हम क्या करें, ए इनवर्स ए हमने इसको अलग लिख दिया इनटू ये हो गया हमारे पास बी, इसको हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ए बी इनवर्स हमें लाना है, बराबर हो जाएगा ए इनवर्स आई। अब हम जानते हैं कि ए और ए इनवर्स का गुणा होता है आई, तो इसकी जगह हमने आई लिख दिया इंटू बी इंटू हमारे पास है ए बी इनवर्स बराबर इनका गुणा किया थी आई। अच्छा, इसके ऊपर वाली स्टेप हमने ए इनवर्स ए इनका गुणा किया, तो ये हमने लिखा था साहचर्य नियम से, साहचर्य नियम से, ये जो हमारे पास साहचर्य नियम होता है उससे हमने इनका गुणा किया था, और ए इनवर्स ए बराबर होता हमारा आई।
अब आई का गुणा जब हम बी से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी। यहाँ पर हम जानते हैं कि ए ए इनवर्स ए बराबर आई व ए इनवर्स आई बराबर होता है, सॉरी ए इनवर्स, ये होता हमारे पास ए इनवर्स। अब बी का जब आई से गुणा किया तो हो गया बी, और ये हो जाएगा आपका ए बी इनवर्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स। इस बी को हटाना है तो दोनों पक्षों में बी इनवर्स का गुणा कर दें तो ये जाएगा बी इनवर्स बी इंटू ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। वही यहाँ लिखेंगे हम बी इनवर्स का गुणा दोनों पक्षों में करने पर, पक्षों में करने पर। जब आपने इनका गुणा किया तो हम जानते हैं कि बी बी इनवर्स और बी का मान होता है आई, हो जाएगा आई इंटू ये हो जाएगा हमारा ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। जब आई का यहाँ पर गुणा किया जाएगा ए बी इनवर्स से तो हमें मिल जाएगा ए बी इनवर्स, और हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स है ही। यही हमें सिद्ध करना था 2020 के लिए। बहुत ही महत्व ये है, यदि ए बराबर 1 2 5 3 4 6 और बी बराबर 4 0 2 1 1 5 हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर नहीं है बी ए के। इसको सिद्ध करने के लिए हमें ए और बी का गुणा करना पड़ेगा। आव्यू ए ये दिया गया है, इसकी कोटि है 2 × 3 अर्थात इसमें 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ हैं, और आव्यू बी जो दिया गया उसकी कोटि है 3 × 2 अर्थात इसमें 3 पंक्तियाँ और ये 2 स्तंभ हैं। जब हम इनका गुणा किए करेंगे तो इनमें मान रखें ए का मान हो गया 1 2 5, बी का मान हो गया 3 4 6 गुणित एक बी का मान हो गया आपका 4 2 1 0 1 5। इनका जब हमें गुणा करना है, इनका गुणा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का जो गुणा होता है वह पहले स्तंभ से किया जाएगा। जैसे एक का गुणा 4 से करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 4, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 4 और इसमें जुड़ जाएगा, 5 का गुणा जब 1 से करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 5। इसके बाद पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से किया जाएगा तो 1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 धन 2 का गुणा 1 से करेंगे तो यह जाएगा हमारे पास 2 धन 5 का गुणा 5 से करेंगे तो इस 5 का इस 5 से करेंगे तो हो गया 5। 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 3 × 4 हो जाएगा 12 धन 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 × 2 = 8 6 का गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 6। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से, जैसे 3 का गुणा 0 से होगा तो 0, 4 का गुणा 1 से होगा तो 4, 6 का गुणा 5 से होगा तो 6 × 5 = 30। अब इनको जोड़ दिया जाए तो हमारे पास मिल जाएगी ए बी की वैल्यू, तो ए बी बराबर जोड़ें तो 5 × 9 = 13 = 25 और 2 हो जाएगा 27, फिर 12 × 8 = 20 6 हो जाएगा ये हमारा 26, फिर 30 और 4 ये हो जाएगा 34। ये आया हमारे पास ए बी का मान, जो आया 2 × 2 यानी 2 × 2 कोटि का आव्यूह, और इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब हमें निकालना है मान काय का बी ए का, तो हम आव्यूह बी और ए का गुणा करें। बी की वैल्यू हमारे पास 4 2 1 0 1 5, ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2 5 3 4 6। इनका जब हम गुणा करेंगे तो इस 4 का गुणा इस 1 से होगा तो 4 × 1 = 4, इस 0 का गुणा जब 3 से होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। इसके बाद जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का गुणा 2 से होगा तो ये हो जाएगा 8 धन 0 का गुणा 4 से होगा तो ये हो जाएगा 0, फिर 4 का गुणा जब 5 से होगा तो 4 × 5 = 20 धन 0 का गुणा जब 6 से होगा तो ये हो जाएगा 0। इसके बाद सेकंड दूसरी जो पंक्ति है उसका गुणा पहले कॉलम से, तो 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 और 1 का गुणा जब 3 से होगा तो 3, फिर 2 का गुणा जब 2 से होगा तो 4 और 1 का गुणा जब 4 से होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, फिर 2 का गुणा 5 से होगा तो ये हो जाएगा 10
और एक का गुणा जब 6 से होगा तो हमारे पास हो जाएगा 6। इसके बाद इस एक का गुणा एक से होगा तो 1, और 5 का गुणा 3 से होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 15। एक का गुणा जब 2 से होगा तो ये हो जाएगा 2, धन 5 का गुणा इस 4 से होगा तो 4 पंजे 20। एक का गुणा इस 5 से होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, धन इस 5 का गुणा 6 से होगा तो 6 पंजे 30। इनको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, 8 में 0 को जोड़ेंगे तो 8, 20 में 0 को जोड़ेंगे तो ये जाएगा 20, 3 में 2 को जोड़ेंगे तो 5, 4 और 4 ये हो जाएगा 8, 16 और 10 और 6 हो जाएगा ये 16, 15 और 1 ये हो जाएगा 16, 20 और 2 ये हो जाएगा 22, 30 और 5 ये हो जाएगा हमारे पास 35। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को देखें, समीकरण 1 में ये ए बी का मान है और ये समीकरण 2 में काय का मान है, बी ए का मान। तो यहाँ लिखें समीकरण 1 व 2 से दोनों मान अलग आए, ये 2 गुणित 2 कोटि का अवयव आ गया और ये 3 गुणित 3 कोटि का अवयव आ गया, तो ए बी बराबर नहीं है बी ए के, और यही हमें सिद्ध करना था। ये 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन।